ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं थोड़ा वीडियोस लेट बना रहा हूँ, मैं आलसी बन गया हूँ, आई थिंक सो। ओके फॉरगेट इट, अब मैं वीडियोस रेगुलरली डालने लगूँगा। तो आज की इस वाली वीडियो में, आज हमने पहले मैं अपना पहले सो लेता हूँ। तो आज की इस वाली वीडियो में हम इस हमारी जो हॉर्स फैमिली उसको छोड़ देंगे, उनके सैडल्स, उनको सैडल्स में नहीं हटाने वाला, ठीक है। और मैं हॉर्स फैमिली को छोड़ दूंगा और साथ ही के साथ हम जाएंगे डेजर्ट बायोम ढूंढने। और मुझे चाहिए कुछ और इंचैनमेंट्स, तो आज हम फिशिंग भी करेंगे और मैं, या फिर हम पूल बना सकते हैं अपने लिए। हम फिशिंग करेंगे तो सबसे पहले इन लोगों को छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सबको बाहर निकालता हूँ बाड़ों से, और मैं नई हॉर्स फैमिली ज़रूर बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दूंगा, क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। इन्हें मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये डिसाइड किया था, मतलब वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने अपने मन से ये डिसाइड किया था कि अगर इस फैमिली का कोई भी बंदा मारा तो मैं इसकी पूरी फैमिली को छोड़ दूंगा, बिकॉज ये दुख में है और ये मेरे साथ कैसे रह सकते हैं। और तो अब ये इनके सैडल्स में नहीं लूँगा, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले मैं तो कुछ तैयारी कर लेता हूँ, और साथ ही उसके बाद हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे डेजर्ट बायोम की तरफ जो मैंने ढूंढ रखी है। तो मैं कुछ तैयारी करता हूँ और फिर हम चलते हैं। मुझे चाहिए, जल्दी करते हैं तैयारी। मैं एक काम करता हूँ, ऑफलाइन ही कर लेता हूँ, आई मीन वीडियो को रिकॉर्डिंग बंद करके करता हूँ। तो आई थिंक मेरी तैयारी हो चुकी है, ज़्यादा ब्रीफ की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे पास खाना अच्छा है। और मैंने मेरे पास अभी भी उस घोड़ हमें हमारे पापा हॉर्स का सैडल है, जो मैं उनको डिनो दे दूँगा, वहाँ लगा दूँगा मैं, सिंपल सिंपल सी बात है। सो वो मैं बाद में कर दूँगा, आइटम फ्रेम में ही तो लगाना है, इजी। अच्छा अभी तो अभी कुछ खा लेते हैं और अब निकलते हैं जल्दी से। मैंने फिर से स्प्रिंट मोड कर दिया, मुझे कुछ काम था शायद। अब मैं कुछ चेंजेस नहीं करने वाला, ऐसे ही चलते हैं। तो सबसे पहले इन्हें रिहा करते हैं। जाओ तुम लोग जो भी थे, थैंक यू। या ये बाउंड्री मैंने बना दी, मेरे आर्मर वार्मर सब चेक है, तो चलो चेक, आर्मर भी चेक हो गया इसी, मैंने गलती से इन्वेंट्री खोली तो भी। तो बाहर निकलो तुम लोग, यू आर फ्री। फ्री तो तभी होंगे जब मैं इनके सैडल सड़ा दूंगा। ये मम्मी हॉर्स हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ इन्हें, बाय बाय मम्मी हॉर्स। अरे यार नहीं, डैमेज नहीं। तो अभी आप लोग और सजेशंस बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमें नेदर फोर्ट्रेस भी मैं जल्दी ढूंढना चाहिए। मैं इनकी भी सैडल ले लूँगा, बिकॉज तभी तो फ्री लगेंगे। बाय। ओके नाउ नेक्स्ट वन, हु इज दैट? द बेटा आप। और मेरी शीप्स की शीप्स भी डिस्पॉन हो रहे हैं, मुझे इसका भी कुछ करना पड़ेगा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यहाँ मैं कहाँ आ गया? तो मुझे इसका भी सजेशन बताओ गाइस आप, क्योंकि मैं उतना बड़ा भी प्रो नहीं हूँ माइनक्राफ्ट में। मैंने भले खेली है इस गेम को, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया ठीक से। इंदर ड्रैगन से हम नहीं लड़े हैं, मैंने आखिरी फाइट सिर्फ विदर बॉस तक की है, उसके आगे घंटा मैं लड़ पाया हूँ। तो सबसे पहले अब हम यहाँ इनको हमने छोड़ दिया है, मैंने सारी तैयारी ज़रूरी वाली कर ली है, अब यहाँ से हम भागते हैं। एक सेकेंड अब भी याद आया मुझे, बेड मैंने लिया ही नहीं। भाई साहब मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने वाला था। ओके बेड आई थिंक होगा मेरे पास एक, या फिर नहीं भी हो सकता, मुझे याद नहीं है। ओके छोड़ो, नहीं होगा, छोड़ो जाने दो, मैं एक बना ही लेता हूँ। मुझे बेड का ज़रूरत होती है। इतने सारे वूल्स मैंने इनसे इकट्ठा किए ना, कि अपने पास कोई कमी ही नहीं है। चलो लकड़ियाँ पूरी हो गई, आई डोंट केयर। हाँ यार मेरा घोड़ा मर गया, उधर है उसकी समाधि, हम तुझे याद रखेंगे घोड़ू। तो अभी मुझे जाना था क्राफ्टिंग टेबल पे, जो यहाँ मैंने कोने में पटक के रखा है। देना भाई एक बेड दो भाई, काम ख़त्म हमारा, चलो यहाँ से। ओके तो सब कुछ हो चुका है, चलो भगते हैं अब यहाँ से हमारे डेजर्ट विलेज तक।
तो हमारी घोर्स यहीं पे है, बाय बाय आप लोग की जीवनी शुभ हो। तो मैं सबसे पहले शील्ड हरा देता हूँ अपने मुंह से, तो मैं मुझे स्प्रिंट करके ही जाना पड़ेगा, छोड़ दे। हाँ मुझे स्प्रिंट करके ही जाना पड़ेगा, जाने दो। तो चलो पहले घर की तरफ निकलते हैं, आई मीन उधर की तरफ, जंगल की तरफ से हमें निकलना होगा। सेम पाथ है लेकिन अब हमारे पास कोई हमसफ़र नहीं है चलने के लिए, और ये विलेज भी खाली हो चुका है। मैंने सुना है कि घास टियर अगर हम एक एक बेड में डाल दें, एक एक बेड वाले घर में, तो उनसे विलेजर्स वापस आ सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे इस विलेज में वापस विलेजर्स चाहिए। यार मैं कब तक इस जगह पे अकेला रहूँगा? तो मैं लूँगा, वापस लाऊँगा इन्हें, और मैं स्काई ब्लॉक भी ज़रूर करूँगा। लेकिन क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं इसके अलावा? ओके तो मैं एक काम कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन, अगर मेरे को, मैं कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर सकता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, एक टावर बनाऊँगा, और विदर से फाइट करने के लिए हमें क्या, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि अब हम विदर से फाइट करने की तैयारी शुरू करें, विदर स्केल और फोर्ट्रेस ढूंढें। अगर नेक्स्ट वीडियो तक हमें फोर्ट्रेस मिल जाती है, मैं ऑफलाइन भी ट्राई करूँगा ढूंढने की, अगर मुझे मिल जाती है तो हम पक्का अगली वीडियो में, तो पक्का हम अगली वाली उसके नेक्स्ट वीडियो की अगली वीडियो में हम विदर बॉस को समन करेंगे, उन्हें डिफीट करेंगे, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई काम कर चलने वाला नहीं है। तो जल्दी चलते हैं, यहाँ पे शीप्स क्या कर रही हैं? तुम भाड़ में जाओ, तुम सारी शीप्स। वो मैं उनसे आगे निकल गया हूँ, मेरे को डैमेज हो रहा है। अरे भाई चल दे तू, अरे बेस्ट माइनक्राफ्ट का बेस्ट क्लाइंबर हूँ मैं। देखो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चढ़ जाता हूँ, देखा? हाँ बेस्ट क्लाइंबर मैं। सबसे पहले अपने रिस्पॉन, मैं अपने आ गया हूँ। ओ याद आया, ये तो मैंने ऑफलाइन में मस्ती मस्ती में, अब एक क्रीपर देख लिया मैंने उसे, उसने मुझे नहीं मार मार, फट गया, मैं बच गया। उस ज़्यादा हेल्थ डैमेज नहीं हुआ, मैंने आर्मर पहन रखा था, मेरे आर्मर को क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, बच गया मैं, बच गया मैं। देखें इस चेस्ट से मैं कुछ ले सकता हूँ क्या, कुछ काम का है हमारे लिए? एक तलवार है, बोझ है, सीड कहाँ से आ गई मेरे पास? ये वूल भी रखो तुम लोग। यस जगह बन गई, हाँ हो गया। चलो चलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ, रात हो दिन हो हमें जल्दी पहुँचना है। तो मैं उधर, अब इधर उस विलेज में पहुँचूँगा, और उसके बाद मैं उस विलेज में जल्दी से पहुंचता हूँ दूसरे रिपोर्टिंग सेंटर की तरफ, फिर हम यहाँ से भाग लेंगे। ओ ओ ओ ओ आराम से, ब्रेड खा के इसके अंदर तो नहीं एनर्जी? अरे स्केलेटन भाऊ क्या हालचाल, बाद में मिलता हूँ। अबे पीछे छोड़, आ रहा है क्या अभी भी? अबे तू पीछे छोड़, भाग यहाँ से भाग, मैं बच गया। मुझे कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, एक है स्केलेटन, मैं अपनी बो निकाल के रखता हूँ। अरे 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 तुम लोग ही, मैं डायरेक्ट उधर ही कूद गया, भाग यहाँ से, मुझे अब लगता है मुझे सो लेना चाहिए। भाग यहाँ से भाग, क्लोज रेंज स्नाइपर यूज़ करने के लिए एक लाइक ठोक दो बंदो। अरे 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 क्या 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 सर, अरे यार क्या डिस्टेंस है, भागो यहाँ से, मिस हो गया। अब मैं यहाँ से भाग लूँगा या फिर मुझे जल्दी से इस विलेज से भी गायब हो गया यार बंदे सारी, ये होता क्या है? सो जाता हूँ यहीं पे। चलो सुबह हो गई, ओके। तो अब अरे अरे तुम्हारा मैंने स्वागत किया तो आज, अबे यार ये खुला क्या, मर मर मर, तुम मर मर सन, मर मर। मेरे को इसने, कोई नहीं भागो यहाँ आते। अरे यार मैं अपनी डायमंड की स्वॉर्ड लाना भूल गया,
मैंने शील्ड वाली उठा के, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं एन्चेंटमेंट्स जमा करूँगा। तो अब हमें यहाँ से सीधा बढ़ना है। मे बी मेरे को याद नहीं है रास्ता एक्चुअली बताऊँ तो। हाँ हमें सीधा ही बढ़ना है, एकदम सीधा इस बायोम को बहुत आगे, करीबन मेरे घर से 3,000 ब्लॉक्स दूर होगा। सो मैं काम करता हूँ, मैं कुछ आगे दूर पहुँच के ही मिलता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाहता, आपको बोर ही होंगे। और अच्छा वो मैं बाद में कर देता हूँ। लेकिन अच्छा तो अभी मैं एक मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ज़रा बताना क्या आपको स्टोरी सुननी है, जो मैं मतलब मेरे को लिखना पसंद है स्टोरीज, तो मैं क्या आप वो सुनना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। तो मैं एक डे स्टोरीज़ के लिए डेडिकेट करूँगा, जो मोटिवेशनल एन्जॉयमेंट वाली दोनों टाइप की स्टोरीज़ मैं सुनाऊँगा। और बैकग्राउंड के लिए मैं अपनी फ़ेस तो नहीं दिखा सकता, उतना अच्छा कैमरा नहीं है मेरे पास, तो मैं बैकग्राउंड के लिए गेम प्ले यूज़ कर लूँगा, तो उसकी चिंता नहीं है। क्या आपको स्टोरीज़ देखनी है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, और अगर देखनी ही देखनी है तो भी कमेंट करके ही बताइए, क्योंकि और कोई काम नहीं है आपका। कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो आप दोनों में से कोई नहीं करे। अरे स्केलेटन भाव मिलो मेरे दोस्त से, मिला ही नहीं यार, छोड़ो। तो अभी मुझे सीधा बढ़ते रहना, एकदम कतई स्ट्रेट, स्टारेट चाहते हैं स्टारेट। तो कुछ देर इस बायोम को क्रॉस करते ही हम ये लेक आई, इसमें डुबकी मारी मैंने। एक्चुअली अगर मैं लेक को फॉलो करूँ ना डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो घुमा हुआ रास्ता है, इसलिए हम सीधा ही जाएंगे। ओके तो अब मैं बता देता हूँ इसमें मैंने कैसे ढूंढा। मैंने अपने इस वर्ल्ड का लकी इज़ बैक, जो सर्वाइवल वर्ल्ड है, यूट्यूब के लिए मैंने बना रखा है, उस वर्ल्ड का एक कॉपी भी बना रखा है, जिसमें मैं आपका न्यू अपकमिंग सारी चीज़ें डिसाइड करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसी में मैंने फाइंड किया है, मतलब घूमते फिरते ऐसे ही अचानक से घूमते घूमते गया, सामने मुझे एक डेड विलेज भी मिला है। तो यहाँ पे आसपास कहीं पे एक डेड विलेज भी है, वहाँ पे भी चलेंगे, क्योंकि अभी रात होने ही वाली है। तो उस डेड विलेज में एक्चुअली मैं पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं ओके आई थिंक मैं पार आ चुका हूँ। तो कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्या टाइम हुआ है, मुझे क्लॉक लेके आना चाहिए था। अरे यार यहाँ से अभी मैं गिरूँगा ना, मरूँगा मैं। अरे यार आराम से भाई मेरे, वो चलाई किसी ने, कौन है भाई फुल बॉडी आर्मर में? स्केलेटन भाव कैसे हो? अरे स्केलेटन भाव कैसे हो, पीछे भी देख लिया करो, क्या स्टाइल में मार रहा है इसे। देखिए क्या दिया बंदे ने, आर्मर ड्रॉप किया, अरे जूते दे दिए, एटलीस्ट काम आएंगे। मैं अपने तो सबसे, मैं लगता है ये वीडियो मैं ऐसे ही तान दूंगा, मैं रोकना नहीं चाहता बताऊं तो। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी जर्नी ही दिखाऊंगा, ताकि आपको भी लगे कि आप बोर हो रहे हो और मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस काम में ही बड़ा मज़ा आता है। मेरे को ये अभी अभी पिलेजर जैसा लगा, ये काऊ मेरे को पिलेजर से जैसा लगा। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को देखने के बाद आपको जो लगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई दुनिया दाड़ी गई भाड़ में, गेम गया भाड़ में। मैं उन्हीं बंदों की तरह बात कर रहा हूँ जो पबजी में सिर्फ बतियाने के लिए आते हैं। तो मैं ऐसे पबजी के प्लेयर्स का भी थोड़ा रोस्ट कर सकता हूँ। अरे वो मेरे भाई आराम से, अगर आप चाहो तो उसके लिए भी सेम ही काम करना है, कमेंट करना है नीचे, ज़्यादा बकलोली नहीं, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, गेम प्लेज मैं डालता नहीं हूँ। अब तो क्या फ़र्क पड़ता है फिर भी इसी। अबे यार यहाँ हर एक सेकंड में घूमना भाई, ज़रा कहाँ पे, हाँ आ जाओ, लुक एट दिस डूड। अरे आ तू, अब एक हिट का मोहताज था बंदा, फिर भी मैं देख नहीं सकता कि मैंने आयरन मैन का मार्क 85 पहन कर, नहीं
मार्केट ही भाई, बनाने की औकात नहीं है मेरी। आयरन मैन का आर्मर पहन रखा है और उसने मेरे हेलमेट को बहुत डैमेज दिया, बता रहा हूँ उसको मैं छोड़ूंगा नहीं अगली बार। कहाँ से जाऊँ अब, यहाँ इस पहाड़ को पार करना ही पड़ेगा। मेरे आयरन मैन के आर्मर को बहुत डैमेज दिया, मैं बता रहा हूँ उसको मैं सबक सिखाऊंगा। अभी मैं बनूंगा डायमंड मैन, क्योंकि मुझे डायमंड्स और ढूंढने हैं, और मैं ये करूँगा फॉर्च्यून 3 से, क्योंकि मैं साला इस बार बहुत जल्दी हड़बड़ा के मैं तलवार के लिए ख़रीद लिया। और ये मेरे ईयरफोन हीट क्यों रहे? ओके, तो अगर मेरी आवाज़ आपको बच्चे जैसी लग रही होगी तो भाई बताओ यार, क्योंकि और अगर लग भी रही होगी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे साथ हमेशा का है। मैं जितनी भी ब्रॉड आवाज़ में बात करने की कोशिश करूँ, मेरी आवाज़ एकदम बच्चे जैसी हो जाती है रिकॉर्डिंग में। क्यों? क्योंकि मेरे माइक को मेरे से दुश्मनी है। एक तो साला ईयरफोन का माइक, ऊपर से मेरे से जन्मदाती ही दुश्मनी। अरे भाई तूने, थैंक यू जिसने भी किया। अरे फॉक्स 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 फॉक्स, क्या हाल मेरे भाई, क्या हाल चाल? लेकिन वो शर्मीला यार, फॉक्स मिल गया हमें। अरे यहाँ तो फैमिली है इनकी, क्या हाल चाल? चलो हमें फॉक्सी अंकल भी मिल गए। अंकल नहीं, भाई जान नहीं, इंसान नहीं, फॉक्स जानवर, फॉक्स देवता ही रखो, फॉक्स देवता। एज हमारे पास वुल्फ देवता की टीम है, हम फॉक्स देवता को भी ज़रूर पकड़ेंगे बाद में आके, क्योंकि अभी हमें हमारे टारगेट पे फोकस करना है। भाई इतना दूर कब से हो गया भाई, मैं कब से चले जा रहा हूँ भाई, आ जाना भाई, कितनी दूर है? अरे यार मैं पहाड़ी, अरे अरे भाई साहब, मुझे थोड़ा खाना खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबी हो वीडियो, इससे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं लगता है मुझे ना, मैं फ़िशिंग अगले पार्ट में ही बनाऊँगा, आपको फ़िशिंग करना मैं सिखा दूँगा। अरे यार मैंने वेदांत में गलती लॉगिन कर दिया, मैं फ़िशिंग अगले पार्ट में ही कर पाऊँ। अगर इस टाइप पार्ट में टाइम मिला तो हम ज़रूर कर लेंगे। अरे पहुँच गए गाइस, पहुँच गए, बस थोड़ी सी और दूर है। अरे भाई पता है मेरा दिल एकदम बाहर आ गया था, लेकिन हम बच गए। अरे अभी अभी तो हमने इसको टेम करते हैं, है मेरे पास एक टैगल, चल चुप जा मेरे साथ आ गया, दिल दिखा दिया इसने, अब मेरे को कोई साथी मिल गया फिर से। ही सेम लाइक पापा हॉर्स बट ही इज़ नॉट पापा हॉर्स, लेकिन फिर भी हमें एक साथी मिल गया और हमने अभी फिर से टीम कर लिया इसे, और अब हम मम्मी हॉर्स भी लेके आएंगे। वाह इसकी जंप अच्छी है, चल 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 चल। ओके सामने एक विलेज है, ये शायद डेड विलेज है, यस यस यस, एक ये डेड विलेज है, हाँ ये डेड विलेज है। अभी यार ये क्या ग्लिच था, मेरे को डर गया मैं, ये एक डेड विलेज है। एक सेकेंड, ये डेड विलेज तो मुझे समझ में आ गया, मैंने ना बहुत ही गलती, मैंने बहुत लंबा रास्ता ले लिया एक्चुअली, बताओ मुझे अभी इस लग रहा है भाई, मैंने बहुत ही लंबा रास्ता है। अबे नहीं भाई साहब, ये क्रीपर भी नशे में, मैं भी नशे में हूँ, हम दोनों ने नशे कर रखे हैं, गधे फूक के आया हूँ मैं। अगर भाई वो क्रीपर फटता ना, मेरा घोड़ा फिर से मरता, मेरे को क्रीपर से नफरत है। लेकिन बंदे ने भी मुझे इग्नोर किया, मैंने भी उसको प्रणाम करके भागाया मैं, क्योंकि डर है भाई, क्रीपर फटने का डर है, यहाँ से नहीं भाई, अटका मत करना। मैं चाहूँ तो इसे ले जा सकता हूँ, अच्छा ही है। हाँ यार मैं ऐसे ही हेल डैमेज करूँगा इसकी, क्रीपर का पता नहीं, मैं ही मार दूँगा इनको भाई, जल्दी चल ले अब। ओ ओ ओ भाई आ गया, ओ भाई साहब, इसके पास एक जंगल बायोम भी है, तो हम वहाँ से बैम्बू भी लूँगा। बैम्बू क्यों? क्योंकि हमें स्कैफोल्डिंग बनानी है। स्कैफोल्डिंग क्यों? क्योंकि मुझे ट्रैम्पोलिन भी बनाना है, मैं एक बहुत ही बड़ा ट्रैम्पोलिन बनाने का सोच रहा हूँ। और अब मुझे लगता है, मुझे पता है मैं कहाँ जाना है, अब
बस अभी आप अभी आपको मैं कुछ बोलने वाला हूँ जिसके बाद शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रहा था, मैं बस भाग रहा था। अरे तुम्हें तुम्हें बुलाया ही नहीं है किसी ने, मेरे पास लीश नहीं है, मैं क्या करूँगा। वंडरिंग ट्रेडर तो मेरे को दिखा था उस समय, लेकिन मेरे पास लीश थी नहीं। लीश मुझे लेके आनी चाहिए थी घर से, मुझे इसका कोई पता नहीं था कि मैं हॉर्स टेम कर लूँगा फिर से। ओके तो फिर से अब हम अपनी बेकार सी स्किल्स दिखाएंगे, और इस बार भी हमारी स्किल्स ने हमें बचा लिया। ओके तो हम आ चुके हैं डिजर्ट विलेज, और ये डिजर्ट टेम्पल भी था यहाँ पे, तो इसके अंदर जाना बनता है गाइज। ये रहा हमारा डिजर्ट विलेज, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, सही बता रहा हूँ। मैं उस तरफ से आया था कहीं पीछे से, एंड दिस इज आवर डिजर्ट विलेज। तो विलेज में आने के बाद हम क्या करेंगे, घोड़े को घुसड़ देंगे किसी घर में। अरे 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 क्या रे, खल जा जा अंदर, बंद रहे अंदर। तो एक काम करते हैं, मैं सुनो मैं ये रेंट पे ले रहा हूँ, ठीक है। रेंट हो गए 100 रुपये, रेंट तुम लोग मुझे दोगे 10 एमरल्ड, क्योंकि मैं तो अभी तुमसे ट्रेनिंग ट्रेड मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स कहाँ है, आए मॉन्स्टर्स आज इसको देख ही ले। अभी ये तो विलेजर है, मैं इसको मारने नहीं वाला। हेलो सर, क्या हाल चाल है आपके, मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू भाई, है कौन ज़रा। मैं ये विलेजर्स कहाँ से आ रहे हैं, ज़ॉम्बी विलेजर्स, मैंने फिर से मारा एक को। फाइनली हम सो पा रहे हैं। ओके तो अभी मैं यहाँ पे मैं ना थोड़ा देर के लिए बैठ, अब मैं जल्दी से इन्हें एक्सप्लोर करता हूँ, यहाँ से भगता हूँ, ठीक है। चलो हम बहुत ही दिन बाद मेरे को एक अच्छा विलेज मिला, मतलब जिसमें लोग रहते हों। हट जाओ भाई, अंकल हटो ना, सॉरी। कहाँ पे ढूंढूं, अरे ये रहा चेस्ट, कचड़ा है यार, छोड़ो नहीं लिखता। मैं ऊपर क्यों आया, अब नीचे कैसे जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जाने वाला था मैं। तो अब मैं बनूंगा क्रिश, एक सेकेंड, क्रिश बनने के लिए पहले सल्लू भाई, दल्लू भाई का नाम ले लेते हैं। सल्लू भाई नहीं बोलूँगा, कुछ हो जाएगा। दल्लू भाई के नाम लेके हम यहाँ से जंप मारेंगे, क्योंकि उनके भी जंप बड़े खतरनाक होते हैं। तो दल्लू भाई की कसम जंप, अबे दल्लू भाई बचा लिया, दल्लू भाई, दल्लू भाई ने जान बचाई मेरी, दल्लू भाई। इसलिए कहते हैं अगली बार माइनक्राफ्ट में अगर आपको जंप करना है ना, दल्लू भाई का नाम ले लो। अरे ये तो सिर्फ ब्रेड काम का है मेरा, वीट तो मैं खुद ही नहीं दे दूंगा, चीन स्टैक पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं लिख लूंगा क्योंकि मैं आया ही हूँ। ओके नीचे एक दल्लू भाई का फैन है, जरा उससे मिल के आते हैं। हेलो कौन है, नॉक नॉक, तेरा बाप आया। अरे मैं आपको कह रहा था, मेरा बाप आया, मेरा बाप आया, एक्चुअली मेरा बाप आया, बाकी सब वक्त नॉक नॉक, तेरा बाप आया, मैं बोलने गया और वो लोग मुझे ही पेलने लगे। ओके तो अब हम वहाँ जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि बाकी दो ट्रेवल्स की मैं वहाँ से आने की, क्योंकि अब मेरे आँख में वो पड़ चुका है भाई, एंटरपेल, थैंक यू, यूज़ करूँ क्या, पागल हो क्या। ओके तो हम क्या करते हैं, छेद करके घुसेंगे, तमीज़ तो दिए नहीं किसी ने हमें, तो हम छेद करके घुसेंगे। ले छेद करके घुस गया, अरे मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को लगा था कि नहीं आया हूँ। ये देखो मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी छोड़ रखी है। ओके यहाँ से मैं नीचे गया हूँ क्या, हाँ गया हूँ, नहीं, सिर्फ छोड़ा है, अच्छी बात है मैं नीचे नहीं गया। ओके सो सबसे पहले मैं यहाँ पे, मैंने इसलिए इसलिए यहाँ पे टॉर्च लाया था। अबे ओह एमरेल्ड, डायमंड का हॉर्स आर्मर, एक और सैडल, आयरन दे दो, गन पाउडर काम आएगी, बोन्स दे दो, मेरे डॉगीज खाएंगे। हाँ स्टे तुम ही रखो,
तुम ये भी दो, मेरे को चेस भी दो। चेस्ट क्यों लूंगा? ये क्या है? रेस्पिरेशन, ब्रेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, एनचेंटेड एप्पल, ये भी लूंगा मैं। ये तुम रखो, ये तुम ही रखो, ये भी तुम ही रखो, ये भी तुम ही रखो। एक्चुअली रख लो इसे, क्योंकि ये भी मेरा 20, बाकी सब तुम्हारा। ओहो क्या सही है ये। ये तुम रखो, बोन्स मेरे, मैं सारे बोन्स नहीं ले रहा, मैं कुछ ही एरिया से। और यार गोल्ड भी है ये मेरा, ये तुम रखो और कुछ। अरे हाँ यहाँ से मुझे 9 मिलने चाहिए। अरे यार मिल गए 9। ओके तो अब मैं कंट्रोल गाइड भी बताना चाहिए। मैं काम करता हूँ ना, इसी वीडियो में आपको कंट्रोल्स की गाइड भी दे दूँगा थोड़ी सी। चलो यह तो हो गया, लेकिन मैं ना मुझे अभी ना मेरे को चैन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं? तो मैं एक काम करके जाऊंगा, प्लीज़। जो मुझे नहीं लगता कोई करने का सोच रहा होगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्यों ले ना, बताएगा मुझे तो। तो इसके लिए मैं ट्रिगर करने के लिए कुछ तो रखूँगा अपने पास। मैं सैंड ऊपर से डर्ट वर्ट फेंक दूंगा, या फिर तुम ना एक काम करो, ये स्ट्रिंग रखो क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी तो रही है, लेकिन हम बदला तो लेंगे। तो मुझे सबसे पहले प्रेशर प्लेट लगानी पड़ेगी। अरे यार ओके, तो मैं जल्दी से ऊपर पहुंचता हूँ और अब हम ये करेंगे। अरे यार ओके, पहुँच गएंगे और यहाँ से हम फेंकेंगे इसे। तो उसके लिए नहीं, गलत सीन, मेरे को इसे दूर रख के तोड़ना होगा। यही एज अ ट्रिगर काम करेगा। नीचे देना, मैं पीछे हटता हूँ। गिर गया, अरे बच गया। मैं इसे ऐसे फोड़ के रहूँगा। क्या ये क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये भाड़ में जाए। फिर मैं TNT का भी क्या करूँगा? मुझे कुछ चाहिए होगा तब इसे फोड़ने के लिए। देखें क्या है, मैं क्या बटन बना सकता? अरे हाँ बटन बना सकते हैं ना, बटन का यूज़ करते हैं। ओके अभी पता नहीं, लेकिन मेरे को थंबनेल भी मिल गया, तो मैं अभी इसकी स्क्रीनशॉट लूँगा। जितने भी हैं मैं ज़रा स्मार्टली नहीं, पागलों की तरह लगा दूँगा। यहाँ पे एक पेक एंड दिस इज वेन्यू। भागो भागो भागो, भाग रहे। मुझे बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। चलो आई थे बाकी के दोस्त, टावर्स का एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ से भागते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग कितने समय की हुई? एक सेकंड मैं चेक करके देता हूँ। नहीं मुझे पता नहीं चलेगा यार, उसका चिंता छोड़ो, भाड़ में जाए। तो आज की ये जर्नी तो मेरे हिसाब से एपिक रही है, और आज हमने कुछ काम किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय कंफ्यूज रहता हूँ। तो ये मैं कर लूँगा, और अब मुझे, अरे इतनी भैंस की, एक सेकेंड क्या अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
में जाए, आई डोंट केयर, ब्रेड सारे मेरे, व्हीट सारे मेरे, कैटेस हमारी, डेजर्ट में अभी मैं कैटेक्स चुराऊँ, कैटेस भाई बहुत दूर जा रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं और आगे जाऊँ। अच्छा फिर से दल्लू भाई की कसम खाए, नाम लेना पड़ेगा, यू नो दल्लू भाई, नुकी तो अभी इन वेन्स पे मैं जंप करूंगा। अबे दल्लू भाई मेरे को सही में बहुत डर लग गया था जब मैं, दल्लू भाई की कसम भाई, दल्लू भाई का नाम ले लिया, जंप सक्सेसफुल हो जाएगी भले वो। और हाँ पबजी में जो लोग गाड़ियाँ चढ़ाने के एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी दल्लू भाई का नाम ले लेना, क्योंकि बंदा कई बार पबजी नशे कर बैठता है। दल्लू भाई का नाम मैंने फिर से लिया और मैं बच गया। मैं और थोड़ी चेक कर लूँगा कि इनके पास चेस्ट है वेस्ट है, अगले गिना वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं, चेस्ट, सिर्फ चेस्ट, वेस्ट तो पबजी में ही होता है अगर मैं सही हूँ तो। तो मैं अभी आपको मैं बोर कर रहा हूँ इसकी मैं, एक सेकेंड, मैंने कुछ सुना शायद। अरे 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 आपको मैं कैसे छोड़ूं सर, शायद हमारे पास, हम आप अजीब सी आवाज़ें मत निकालो, मैं ज़रा शीट लेके आता हूँ। हेलो दल्लू भाई, नहीं दल्लू भाई नहीं, क्या नाम है इसका, आयरन भाई, मैंने आयरन मैन का मार्क चुराया हुआ है, आयरन मैन को मत बनता ना, यहाँ आके पकड़े मारने लगेंगे। कहाँ मैं ढूँढूँ, अब यहाँ पे घास नहीं मिलेगी मुझे, मैं अरे एक मिला, एक से काम नहीं बनने वाला, मुझे 9 चाहिए। अरे यार कब मुझे एक और सीट मिले, मुझे बस मैं 5 और दो और इकट्ठा करना चाहता हूँ, मैंने ये पूरा एरिया ही छाप कर दिया। अरे वो रहा वहाँ पे, यार मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सेकंड, पेड़ किसने काटे हैं, अरे यार यहाँ पे भी है तो मुझे एक और तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। ओके आ गया आ गया आ गया, मैं एक तोता मैं टेम करके लेके जाऊंगा। ओके तो चलो पहले सोने सो जाते हैं बेड रख के, बारिश हो रही है बाढ़ में जाए, जल्दी 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 जल्दी, सुबह 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 बारिश का मौसम ख़त्म, अब मैं लेके आऊँगा अपने तोते तोते। तो मैं ब्लू वाला टेम करूँगा बिकॉज ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर और मुझे बहुत सेटिस्फाइंग। अबे तुझे मैंने सेटिस्फाइंग बोला, अभी मैंने कहाँ पे कहाँ से, मतलब मैंने अभी अभी सेटिस्फाइंग का जिक्र किया था, तुम लोग आ गए, सेटिस्फाइंग लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। आ गया, प्यार हो गया इसे मेरे से, आ जाओ मेरे भाई, नहीं क्या मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ देंगे, आ जाओ तुम मेरे कंधे पे बैठेगा वो मेरे भाई, कहाँ जा रहा है तू, इसका घर तोड़ दूंगा इसके उसके चक्कर में, मेरे मेरे तोते के चक्कर में, कहाँ है भाई तू, मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर है क्या, नहीं अरे बंदे आउच, मुझे दर्द हुआ और मैंने इस विलेजर, एक सेकेंड, मेरे मैंने खाना नहीं खाया, अरे क्या हो रहा है, अबे यार ये कैसी आवाज़ें निकाल रहा है मेरे पैर, ओ एक सेकेंड मैं आपको व्यूज चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसे व्यूज चेंज करने ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 40-50 मिनट की वीडियो हो चुकी है भाई, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है।
सीरियस गाइस, और मैं अब सोच रहा हूँ 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। से भी